उत्तरी सिद्धपीठ दक्षिण काली हरिद्वार चंडी घाट। दोस्तों आप सुरसरी का दर्शन कर रहे हैं, हम हरिद्वार में हैं, देवभूमि हरिद्वार, और इस समय भगवान दीनानाथ की वह लालिमा देख रहे हैं। पूरे दिन उन्होंने प्रकाशित किया है और अब भगवान भास्कर अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं। यदि उनका आप देखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, तो जिस तरह से सूर्योदय होता है उसी तरह से सूर्यास्त भी। अब धीरे धीरे जनमानस संध्या वंदन करेगा, रात्रि का भोजन करेगा और निशा काल में लोग सो जाएंगे, फिर सूर्योदय के साथ ही लोगों का उठना होगा। यह है हमारी दिनचर्या। हम ऐसी माटी पर हैं जहाँ रोज सूरज उगता है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ सूर्य महीनों बाद निकलता है। हम अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी जो प्रासंगिकता है वह प्राणों से भी प्यारी है। विषवत रेखा का बासी भी जी लेता नित हाँप हाँप कर, विषवत रेखा का बासी भी जी लेता नित हाँप हाँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यह गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति थी और यहाँ अलर्ट कर दिया गया था, आगे गंगा मैदानी भाग में जाती है, यहाँ से आगे बिजनौर से लेकर के बलिया तक यह उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा रहती हैं, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी यह बड़े शहरों के रूप में शुमार है। फिर हमारा जनपद आ जाता है गाजीपुर, पुनः आ जाता है बलिया, बलिया के उपरांत हम प्रवेश करती हैं माँ गंगा बक्सर बिहार में। बिहार की राजधानी पटना होते हुए गंगा आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के रूप में जिन्हें जाना जाता है। देखिए बंदर लोग हैं और चलिए अब देख रहे हैं धीरे धीरे भगवान सूर्य का कुछ अंश अब अस्तांचल की तरफ चला गया है। धीरे 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 यह अस्त हो जाएंगे। शाम हुई है तो रात भी होगी, काली काली रात आएगी। यद्यपि इस समय यह अभी पूर्णिमा के बाद अभी एक पहर का अंधकार रहेगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर आएगी अमावस्या की काली रात, फिर एकादशी होगी, एकादशी के बाद फिर द्वितीया का चंद्रमा, एक बार आप देखिए उन्हें सूर्य देवता को, द्वितीया का चंद्रमा फिर दिखेगा और वहीं से उत्साह के साथ हम प्रणाम करके और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए फिर लग जाएंगे। द्वितीया के बाद तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के बाद फिर आता है पूर्णिमा। तो हमने आपको दिखाया भगवान भास्कर को अस्तांचल की तरफ जाते हुए, यानी सूर्योदय हुआ, उसके बाद यह सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का अनुपम दृश्य आप देख रहे हैं। पिछली बार जब हम हरिद्वार आए थे तो हमें उतरना था देहरादून ट्रेन से। जब हरिद्वार अभी ट्रेन पहुंचने वाली थी तो दो तीन बच्चे थे, छोटे छोटे, अभी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे। एक बेटी ने कहा अपनी मम्मी से कि मम्मी पहली बार मैं सूर्योदय होते हुए देख रही हूँ। अरे देखो देखो, अपने भाई से करिए, देखो देखो कैसे सूरज निकलता है, देखो देखो उधर देखो सूरज निकल रहा है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। शहरी जीवन, लोग सूर्य को दिन दिन भर देख नहीं पाते हैं, महीनों महीनों हो जाते हैं, लोग सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते, यह भी एक जीवन है। तो ये हैं भगवान रवि, भगवान पतंग, भगवान मारतंड, भगवान मित्र, भगवान भास्कर, भगवान दीनानाथ, भगवान दिनकर, भगवान दिवाकर, भगवान भानु, और इनको आपको अब धीरे धीरे देखिए सूर्यास्त हो रहा है। उधर एक पुल है जिससे गाड़ियाँ जा रही हैं,
और इस तरफ आप देख रहे हैं तो यह पतित पावनी हमारी गंगा जो पहाड़ों से निकल कर आती है मैदानी भाग में, हरिद्वार में यहाँ प्रवेश करती हैं, तत्पश्चात ये आगे बढ़ती हैं। अब आप हल्की हल्की लालिमा देख रहे हैं, अब यह लालिमा भी कुछ देर में समाप्त हो जाएगी। फिर सुबह पहाड़ों के भीतर से, पहाड़ों से ऐसे सूरज निकलेगा, यह पहाड़ है तो ऐसे सूरज पहाड़ों से निकलता है, अनुपम दृश्य है। इधर आप बालू देख रहे हैं, मैं बालू लगा करके पोत करके खूब स्नान भी करता हूँ, इसका भी बड़ा मतलब है। उधर एक वृक्ष भी है पीपल, इधर भी कुछ पौधरोपण किए गए हैं। तो यहाँ कुल सोलर लाइट भी लगी हुई है, अभी शायद प्रकाशमान हो जाए, नहीं भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि किस तरह से यह, क्योंकि अब तक इसे प्रकाशित हो जाना चाहिए। अब आप इधर हमारे बाएं हाथ की तरफ अगर देखेंगे तो भगवान दीनानाथ अब अस्त हो चुके हैं। इधर एक पीपल का वृक्ष है और यह कैलाशानंद गिरी जी का आश्रम है। एक बार आश्रम के इस तरफ भी आपको दिखाते हैं, ऐसे आप तो आपको इसकी अनुभूति होगी। चट्टानों की उधर देखिए, गंगा के बीच में बालू का रेत और छोटे छोटे पत्थरों की पिंडियां, अगर उन्हें हम किसी मंदिर में रख देंगे तो वह देवतुल्य हो जाएंगे, उनकी पूजा होगी। किसी वृक्ष के नीचे रख देंगे तो वहाँ भी पूजा, क्योंकि यह मान्यताओं का देश है और मान्यताओं के अनुसार उसे हम देव के रूप में मान लेंगे। आइए इन्हें भी देखते हैं एक बार, यह अब शाम होगी तो इन्हें दिखाई कम देगा। ये एक गुलर का वृक्ष है, गुलर, और यह फल तोड़ करके बंदर खा रहे हैं, देखिए खोज रहे हैं, देखिए वाह 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 वाह, फिर तोड़ा, वाह। अब यह देखिए, इनको पता है कि रात को मुझे भोजन नहीं मिलेगा, इसी डाली पर यह सो जाएंगे। फिर भगवान सूर्य का जब उदय होगा तो उसी के साथ यदि अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों यह रहा, घाट अच्छे बना दिए गए हैं और घाटों पर लोग स्नान करते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ साधना करते हैं। कुछ वृक्ष भी, एक बार मैं चाहूँगा जूम करके एक वृक्ष वहाँ जड़ सहित उखड़ करके आकर के घाट पर लग गया है, वह कहीं काफ़ी दूर से आया होगा, और दूर से आने के बाद यह देखिए आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो काफ़ी दूर से आ गया है, जड़ें माँ गंगा की तरफ हैं और उसका जो तना है वो आ गया है घाट की तरफ, इसे आप तो देख रहे हैं। यह है गंगा के पानी, गंगा जल की शक्ति है, जब आता है तो सब कुछ तबाह, तमाम त्रासदियाँ आपने देखा है, वह बद्रीनाथ केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे बादल फटने से जो इस तरह से जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अभी आप यह देखें कि बारिश हुई तो उसमें 50 लोग काल के गाल में समा गए, और इस तरह से देखिए एक बाबा उधर ललकारते हुए जा रहे हैं और हाथ में झंडा, और बाबा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूँ हरिद्वार में और आज सांध्यकालीन गंगा का दर्शन, गंगा का पूजन, गंगा को विनम्र भाव से प्रणाम, और जो भी हमारे सम्मानित दोस्त, हमारे सम्मानित साथी इसे देख रहे हैं तो उन्हें भी विनम्रता के साथ हम प्रणाम करते हैं। कुछ वीडियो हम यहाँ के ऋषिकेश के देहरादून के दिखाएंगे, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा, और विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।